तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो कन्वर्ज हमने टोटल 48 फॉर्मूले पे बात की थी। तो चलते हैं इन क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है साइन 120 डिग्री, तो इसकी वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। तो लिख दिया मैंने साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 को हम लिख सकते हैं कि 90 प्लस 30, और ये हमने बता ही रखा कि अगर 90 में कुछ जुड़ जाए तो हम चले जाते हैं दूसरे वाले में, और दूसरे में अगर आपको याद हो तो क्या लिखा हुआ था, ये मैं एक बना देता हूँ यहाँ, वो था ए एस टी और सी। तो दूसरे वाले में लिखा हुआ था एस, यानी एक तो साइन और एक साइन का उल्टा कोस, एक दोनों प्लस के रहते हैं, तो ये तो साइन ही, ये तो प्लस का रहेगा। फिर थीटा का संबंध, ये यहाँ पे थीटा का काम कर रहा है, जो 30 डिग्री है वो 90 से है, और जब संबंध 90 से होता है तो अनुपात बदलता है। ठीक, तो एक बार मैं लिख देता हूँ कि अगर 90 और 270 से संबंध हुआ तो चेंज हो जाएगा, और अगर 180 डिग्री और 360 डिग्री से संबंध हुआ तो नो चेंज, तो फिर चेंज नहीं होगा अनुपात। तो ये दो बात आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ 90 संबंध है, चेंज हो जाएगा, और चेंज किस तरीके से, साइन जो चेंज होता है वो होता है कोस में, कोस थीटा, और थीटा की जगह 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है हमारा √3/2। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि साइन 120 का मान √3/2 होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास टेन 210 डिग्री, तो यह आ जाएगा दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फर्स्ट था। तो ये हमारे पास टेन 210 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन 180 प्लस 30, क्योंकि 180 और जो 30 होते हैं वो होते हैं 210। अब देखो जरा, ये लाइन थी 90 वाली और ये लाइन थी हमारी 180 वाली, और ये थी हमारी 270 की लाइन, और ये थी 360 की लाइन। तो इसमें क्या है कि 180 में कुछ प्लस हो गए तो हम आ जाएंगे तीसरे में, और तीसरे में क्या होता है, एक तो टेन और एक जो कोट वो दोनों प्लस होते हैं, तो ये तो टेन ही है, प्लस रहेगा। दूसरा है कि अगर 180 संबंध होगा तो नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं होगा, टेन का टेन रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारा टेन थीटा। थीटा की जगह क्या है इसमें, 30 डिग्री है, तो ये आ जाएगा टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टेन 210 डिग्री का मान वही होता है जो टेन 30 डिग्री का होता है, और वो होता है कितना, 1/√3। इस तरीके से उससे आगे के जो क्वेश्चन है दो, अब उन्हें करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है कि कोसेक 390 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं हम कोसेक 360 प्लस 30, और 360 की लाइन ये है, और इसमें भी प्लस हो रहा था, हम फर्स्ट में आ गए, और फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी कि सभी धनात्मक, तो सारे प्लस के रहेंगे। संबंध 360 से है, तो 360 में नो चेंज, यानी कोई बदलाव नहीं होगा, कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा, थीटा की जगह 30 है, और कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोसेक 390 का मान वही होता है जो होता है कोसेक 30 का, और कोसेक 30 का मान होता है 2। इसी तरीके से जो चौथा सवाल है इसे देखते हैं, यह हमारा सेक 750 डिग्री। अब आप इसमें सोचेंगे इसे कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास सबसे बड़ा जो थीटा होता है वो होता है 360, तो 360 में ऐसा क्या जोड़ा जाए जो 750 आ जाए, तो आ जाएगा यहाँ सेक 360 प्लस, अब क्या जोड़े कि 750 आ जाए, तो इसमें हम जोड़ सकते हैं 390, तो अभी से करना है हमें, 360 में प्लस हो रहा है यहाँ 390, तो यानी कि कुछ भी ऐड हो रहा है, चले जाएंगे हम फर्स्ट में, और फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, थीटा का संबंध है 360 से, अनुपात बदलने का नहीं, तो आ जाएगा सेक 390 डिग्री, और 390 को क्या लिख सकते हैं, अब दोबारा फिर चेंज करेंगे, आ जाएगा सेक 360 प्लस 30, और इसकी आ जाएगा यहाँ थीटा का संबंध 360 से है, यानी कि फिर फर्स्ट में अनुपात चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 360 से संबंध है,
तो आ जाएगा हमारा सेक 30 डिग्री। और सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? सेक 30 डिग्री का मान हमारा होता है 2/√3। तो इस तरीके से हम मान इनके निकाल सकते हैं। तो इसमें दो बार चेंज कर रहे हैं, आप इसे एक बार भी चेंज कर सकते हो, वो कैसे जरा देख लो। क्योंकि ऐसे तो अगर बहुत बड़ी वैल्यू होगी 360 में कुछ प्लस करेंगे, फिर उसमें 360 कुछ प्लस, फिर बहुत बड़ा होगा, ऐसे करते करते बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको छोटा करने के लिए हम आपको एक बता रहे हैं फॉर्मूला अलग से, देखो जरा। तो जैसे है ये 750, ये इसी का ये सेकंड मेथड, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक 2 × 360, या गुणा लिख सकते हैं हम 360 में। तो 2 के अगर 360 में गुणा करेंगे 720, तो यहाँ पे हो गया, और आगे होना है 750, तो कितने ऐड और कर दें इसमें, 30 और ऐड कर दो। अब इसमें कैसे करेंगे, तो थीटा का संबंध यहाँ है 360 से, ये जो 2 गुणा में होता है ये n का काम करता है, यानी कि आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक। तो बस 360 है, कुछ ऐड हो रहा तो फर्स्ट में, और फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, सभी प्लस, अनुपात चेंज नहीं होगा, तो आ जाएगा sec 30 डिग्री, और sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी, ठीक है। इसमें दो बार बदलना पड़ रहा है, यहाँ पर आप एक बार बदल के भी सवाल को हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आपको उम्मीद है समझ आ। Oh, 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 oh